हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांग सैन सैन वांग। सो गाइस, आज मैं इस स्टोरी का पार्ट टू लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरीके से कंपनी को लेकर के लड़ाई वड़ाई हुआ था, बातचीत हुआ था, मीटिंग हुआ था, और किस तरीके से विंग ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। लिविंग रूम का सीन है, अभी वहाँ पे पूरी फैमिली बैठी हुई है, लैन फैमिली। ओके, लैन क्वेन बोलते हैं, देखो सिचान वांग जी, लैन सुयांग, तुम तीनों मेरी बातों को गौर से सुन लो। तुम तीनों में से कोई भी विंग को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा, समझ में आ रहा है तुम लोग को बात? तो सबना हाँ में सर हिला देते हैं। फिर चिरन बोलते हैं, मैंने उसके पिता से वादा किया है, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। तुम तीनों उसे बिल्कुल भी एक बूंद भी छोड़ना मत अकेले, चाहे वो स्कूल में ही क्यों ना हो, उसके साथ स्कूल जाओ, उसके क्लास में बैठो, पर उसे अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे यहाँ के मतलब इन लोगों पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है, इनमें से किसी पे भी विश्वास करने लायक नहीं है लोग। अब छोटे से बच्चा को देख के ये लोग दौलत के मारे उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, इसलिए कह रहा हूँ तुम सभी अपनी ट्रेनिंग पे भी ध्यान दो, अपनी स्टडी पे भी ध्यान दो, और साथ ही साथ इस वेरी इंपॉर्टेंट इज द विंग। ओके, सो विंग पे खास करके ध्यान दो, समझ में आया तुम लोग को? तो सुयांग और वांगजी और सिचेन तीनों ही हाँ में सही ला देते हैं। फिर कुरन बोलते हैं, जब उसके पापा का डेथ हुआ था उसने क्या क्या कहा था, मुझे हर एक वर्ड याद है, किस तरीके से उसने मेरे साथ रिक्वेस्ट किया था, उसने हम जैसे लोगों को पनाह दिया है और हम लोग उसकी नमक खाए हैं, और हम लोग नमक हलाली नहीं कर सकते हैं, समझ में आया? सभी हाँ में सही लाते हैं। अब यहाँ से वो लोग सोचना स्टार्ट करते हैं आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। ठीक है, हमें दिखाया जाता है सीन एक रूम का, उसमें वी चांग से सोए हुए हैं, उनके अगल बगल बहुत सारी मशीनें हैं, हॉस्पिटल्स की मशीन, और उनकी बॉडी पे भी कुछ मशीन से कनेक्टेड कुछ वायरस तार वार कुछ लगे हुए हैं, और उनके फेस पे एक ऑक्सीजन मार्क्स है। वो उस मार्क्स को हटाते हैं और वो कुरन की तरफ देखते हैं। वी जो कि वहीं पे था, अपने डैड को हग करके वो सोया हुआ था। वांगजी, सिचेन, कुरन और सुयांग ये सभी भी वहीं पे थे, साथ ही साथ वे फैमिली का पर्सनल डॉक्टर, वे फैमिली का पर्सनल वो वकील, ये दोनों भी वहीं पे थे, और वे चांग से का ना एक पर्सनल असिस्टेंट है जो कि काफ़ी वफादार है, वो भी वहीं पर है। तो वे चांग से बताते हैं कि मैंने सारे वसीयत में सारे अपने जायदाद अपनी विंग को दे दिया है, और विंग अभी से ही उसका मालिक है, इकलौता मालिक है। ठीक है, और कुरन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखो अपने बेटे की तरह। तो कुरन भी बोल देते कि हाँ वो ध्यान रखेंगे। तो वी चांग से बोलते हैं, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मेरा बेटा 18 साल का हो तो वो तुम्हारे बेटे लान वांग जी से शादी करे। तो वो कंफ्यूज हो जाते और बोलते हैं, पर ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों चाहते हो? हाँ, अगर तुम्हें शादी करवाना तो ठीक है, मैं सिचेन से करवा दूँगी या सुयांग से करवा दूँगा। तो विचांग से ना एक स्मेल करते और बोलते हैं, नहीं, मैंने देखा है मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा वांगजी से ही क्लोज है, बहुत ज़्यादा वांगजी से वो क्लोज है, और मैं चाहता हूँ कि वो वांगजी के साथ ही अपनी पूरी लाइफ बिताए, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे लान वांग जी का शादी मेरे बेटे विभूषण से कराओगे।
जब वो 18 साल का होगा, और ये सारी दौलत लान वांग जी के नाम हो जाएगी। ये सुनते ही वो सभी शॉक्ड। तो फिर सिंघन जो सारी बात बताते हैं कि फिलहाल के लिए विंग मालिक तो है, लेकिन उन्हें पता है कि सभी लोग इसके मतलब मेरे बेटे के दौलत मतलब मेरे बेटे के पीछे पड़ जाएंगे, उसके जान के पीछे पड़ जाएंगे। ये जानकर क्या कर मैंने सारा जो वसीयत में ना सबका मालिक जितने भी मेरे कंपनीज है वो सभी का मालिक मैंने अपने बेटे को बना दिया है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो वांग जी जो है ना उसका हस्बैंड बन जाए वो, और वांग जी थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। और विंग को अभी उसको तो सभी दौलत मिले रहेंगे, लेकिन वो पूरा दौलत जितना भी है ना सभी के सभी उसका जो हस्बैंड है ना वो संभालेगा। पर वो चाहते हैं कि विंग पूरी तरीके से बॉस बन के रहे। मतलब अभी के लिए किसी को ये नहीं पता कि जो विंग का फियांसे है ना मेन मालिक वो है। अभी जो है ना मेन मालिक जो है ना वो उसका फियांसे है, ना कि विंग है। विंग है लेकिन जो मेन जो है ना मालिक अभी जो जिसके देख रेख में होना चाहिए वो वांगजी है। वांगजी उसका अभी ओनर है। जब विंग 18 साल का हो जाएगा और वांगजी और विंग की शादी हो जाएगी, तब पूरी जायदाद जितने भी वे चंग से कम वो है विलास है और प्रॉपर्टीज़ है, जितने भी कॉरपोरेशन हैं मतलब जितने भी कंपनी हैं फैक्ट्रीज हैं हर एक चीज़ विंग का हो जाएगा। और विंग चाहेगा तो वो जिसे देना चाहे वो तब देगा, वरना वांगजी चाहे कि वो किसी और को दे दे तो वो नहीं दे सकता। ऐसा है ठीक है वसीयत में। तो इसीलिए वे चांग से बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि 18 साल के होने के बाद विंग उससे शादी कर ले। तो वी चांग से कुरान से ये प्रॉमिस लेते हैं और कुरान ये प्रॉमिस दे भी देते हैं उन्हें। और फिर उन्हें वो बोलते हैं कि वो उसका मतलब वांगजी की तरफ देखते हैं वो, और फिर वो बोलते हैं कि वो उसके बेटे का पूरा ध्यान रखे, उसे वो प्यार दे जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने लाइफ पार्टनर को देता है। और वांगजी उनके हाथों में ये प्रॉमिस ले मतलब देता है, उनके हाथों को पकड़ के ये प्रॉमिस करता है कि वो विंग को प्रोटेक्ट अपने पूरी जीवन भर करेगा। जब तक उसकी बॉडी में ये जान है तब तक वो विंग को कुछ भी नहीं होने देगा, उसके ऊपर एक आंच तक नहीं आने देगा। वो उसे संभालेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसे प्यार देगा, वो उसकी रक्षा करेगा। और ये बात सुन के ना चिंगन्जुन एक स्माइल करते हैं। उसके बाद वो अपने बेटे को देखते हैं, उसके सर को सहलाते हैं, उसके फोरहेड पे एक किस करते हैं, और फिर उनकी आँख से एक आंसू निकल जाता है। और वो सिर्फ और सिर्फ विंग को देखते हैं, और मशीन से सिर्फ एक ही आवाज़ आता है, टन, जो होता है ना मतलब जब हार्ट बीट रुक जाता है तो जो एक नॉइस आता है ना लंबा सा, वैसा नॉइस आना स्टार्ट हो जाता है। और ये नॉइस सुनते ही ना वांगजी सिचैन कुरैन सुयांग और वो वकील और डॉक्टर उसका सेक्रेटरी सबके आंखों में आंसू आ जाता है। और विंग जो कि अपने फादर को बहुत टाइटली हग करके सोया हुआ था बहुत आराम से, नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि उसके फादर का फ्यूनरल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में जितने लोग उस रूम में थे ना, उन्हीं लोग के बीच में सिर्फ और सिर्फ फ्यूनरल किया जाता है उनका और उनको विदा किया जाता है। और विंग तो जैसे सदमे में ही चला गया था, लेकिन वांगजी उसे सदमे से निकाला था। वांगजी बताया था कि उसके फादर कहीं नहीं गए हैं, उसके फादर सिर्फ और सिर्फ आराम कर रहे हैं। पर विंग को पता था कि उसके फादर अब कभी नहीं उठेंगे, क्योंकि वो भले ही बच्चा था लेकिन उसमें इंटेलिजेंट वो बहुत ज़्यादा था। वो तो उसे पता था ये बात कि अब उसके फादर नहीं रहे इस दुनिया में, उसकी फैमिली में कोई नहीं रहा।
वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है वो, बट फिर भी वो नॉर्मल रहने की पूरी ट्राई करता है, पूरी तरीके से वो ट्राई करता है कि वो अब नॉर्मल ही रहे, वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट ना करे, ताकि उसके फादर को पेन फील ना हो, उन्हें बस यही लगे कि उनका बेटा सेफ है, उनका बेटा खुश है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है वही लिविंग रूम का सीन, जिसके सब जिस ये सब बातें सोच के ना सभी की आंखों में आंसू आ गया था। कुरन बोलते, इसलिए मैं चाहता हूँ वांगजी तुम खास करके विंग के हर एक कदम पे उसके साथ रहो, उसका साथ मत छोड़ो बेटा, ठीक है? तो वांगजी हमें सही ला देता है और बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा अंकल। कुरन एक्चुअली कुरन जो है ना वो उनके मतलब जो वी चांग से ना वी चांग से के दोस्त के भाई हैं, ठीक है? वी चांग से के दोस्त लैन चिंगन जो थे और लैन चिंगन जुन के ही ये तीनों बेटे हैं, ठीक है? लैन चिंगन जुन का एक मतलब बहुत बड़ा मतलब उनका कंपनी था बहुत अच्छा खासा, लेकिन कुछ लोगों ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया था जिसके कारण से उसकी कंपनी ना ब्रैंक करप्ट हो जाती है। उसके बाद एक एक्सीडेंट में उसका उनका डेथ हो जाता है, उनकी वाइफ का बहुत पहले ही डेथ हो चुका था, उनके थर्ड बेटे को बर्थ देते टाइम ही हो चुका था, और फिर उसके बाद उनका भी डेथ हो गया। फिर ये सभी लोग बेघर हो चुके थे, सारे कर्जा को देने में मतलब वो जितने भी लोगों ने उस कंपनी में मदद किया था, अपना शेयर दिया था, वो सभी को चीज़ को वो पूरा करने में वो सभी लोग बेघर हो जाते हैं। इसलिए फिर वे चांग से उन सभी को लेकर अपने घर आए थे और उन्हें अपने साथ रखे थे, और वो लोग भी हंसी खुशी वहाँ पे एक साथ रह रहे थे, ठीक है? आई थिंक सब चीज़ मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, डिनर का सीन है। डिनर में विंग जो कि सो के उठता है वो आता है नीचे, आने के बाद वो डिनर विनर करता है, पूरी फैमिली करते हैं डिनर, और सारा फेवरेट विंग का खाना बना था और सब लोग खा रहा था उसे, और विंग भी खा रहा था, विंग काफ़ी अच्छे से खा रहा था खाना, और वांगजी उसे अपने हाथों से खिला रहा था, वांगजी भी खिला रहा था, कुरन भी खिला रहे थे, सिचन भी खिला रहे थे, और सुयांग भी खिला रहा था। और सुयांग बोलते हैं ना छोटा सा बच्चा है, बताओ ये छोटे से बच्चे को हम सभी उसको प्यार कर रहे हैं, पर हमें देखो हमें तो ऐसा कोई मिला ही नहीं जो कि हमें प्यार से खिला दे, मुझे बहुत जलसी फील हो रहा है विंग से। तो विंग अपने हाथों में ना लेता है फूड, मतलब वो स्पून में फूड लेता है और वो सुयांग के आगे कर देता है, मतलब माउथ के आगे कर देता है कि लो मैं खिला रहा हूँ ना। तो सुयांग ने एक स्माइल करता है और वो खा भी लेता है। फिर विंग भी अपने हाथों से ना कुरन को भी खिलाता है, वांगजी को भी खिलाता है, सिचन को भी खिलाता है, ये लोग इसी तरीके से एक साथ खाते हैं पीते हैं और काफ़ी आराम से बातचीत करके रहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, विंग वांगजी सुयांग सिचन सभी रेडी वेडी हो करके ब्रेकफास्ट कर करके ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ वर्क थे वो करना था, उसके बाद वहाँ से उसे विंग को ना स्कूल जाना था, कुछ काम था, फिर स्कूल से फिर वो वापस ऑफिस आता। तो विंग ने फटाफट उस काम को कंप्लीट करता है, उसके बाद वो वहाँ से निकल के अपने स्कूल जाता है। अब हमें यहाँ से इस सीन शिफ्ट करके स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में एक मतलब करीब 4 से 5 गाड़ियाँ जो है ना एक साथ रुकती हैं, सभी ब्लैक कलर की थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत चमकदार कार्स थी। उसमें से पहले सभी बॉडीगार्ड्स निकलते हैं, उसके बाद वांगजी सिचेन सुयांग निकलते हैं, उसके बाद जाकर के विंग निकलता है। वांगजी विंग को संभाल के लेकर जाता है आगे की ओर, 2 बॉडीगार्ड्स थे, उसके बाद
वांगजी और विंग था, उसके पीछे शुयांग और सिचेन थे, और फिर सारे बॉडीगार्ड्स थे। जब सभी स्कूल के टीचर्स और स्कूल के सभी जितने भी लोग हैं और बच्चे स्टूडेंट हैं, वो सभी देखते हैं ना कि विंग किस तरीके से रॉयल तरीके से एंट्री ले रहा है, तो सभी को ना थोड़ा अजीब लगता है, बट उन लोग के लिए थोड़ा नॉर्मल भी था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, मतलब वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये देखना तो नॉर्मल है। और इस स्कूल में तो सारे रिच पीपल्स के ही बच्चे आते हैं, तो इसीलिए सब नॉर्मल था। फिर भी सब लोग शॉकिंग होकर उन्हें ही देख रहे थे। विंग जाता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस में। प्रिंसिपल ऑफिस में जाके वो बात करता है और बोलता है कि वो अब से स्कूल नहीं आएगा क्लासेस के लिए, वो सारी क्लासेस ऑनलाइन करेगा, बस सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए वो आएगा यहाँ पे, मतलब स्कूल सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आएगा। तो टीचर्स भी कुछ नहीं बोलते बिकॉज विंग उस स्कूल में भी, विंग की जो कंपनी है उसके फादर जो है ना उस स्कूल में भी पैसे डोनेट कर देते हैं, मतलब वहाँ के भी वो शेयर होल्डर है, तो इसीलिए कोई प्रिंसिपल कुछ नहीं बोलते हैं और वो इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। उसके बाद कुछ फॉर्म्स भरना पड़ता है, उस फॉर्म्स को भरते हैं, फिनिश करते हैं सभी काम को, उसके बाद वहाँ से वो वापस निकल जाते हैं। और वो चले वो जब वहाँ से निकलते हैं तो विंग का एक दोस्त मिलता है और वो बोलता है कि विंग तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। तो विंग उसके तरफ देखता है और फिर बोलता है न्यू हुसैन तुम यहाँ। तो वो पूछते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, तो विंग बताता है कि अब वो स्कूल नहीं आएगा, वो घर से ही सारा पढ़ाई करेगा। तो वो भी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं तुमसे मिलने तो आ सकता हूँ ना। तो विंग बोलता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, तुम आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए। तो न्यूसन बोलता है कि अच्छा ठीक है, असाइनमेंट से रिलेटिव जो भी बातें रहेंगी ना मैं तुम्हें आ करके घर पर बता दिया करूँगा। तो विंग भी ओके बोल देता है, उसके बाद वो घर चला जाता है, सॉरी ऑफिस जाता है। वहाँ पे कुछ लोगों का इंटरव्यू देना होता है असिस्टेंट के लिए, विंग के असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू था वहाँ पे। तो वो विंग जो है ना वो नहीं लेता है, और विंग रहता है उस रूम में, बट विंग चुपचाप सिर्फ बैठा रहता है और वो सिर्फ देख रहा था, बाकी वांग जी सिचन और शुयांग ही ले रहे थे। तो वहाँ पे ना एक लड़का आता है और वो खुद को ना साओ सिंचन बताता है, बोलता है कि मेरा नाम साओ सिंचन है और मैं असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आया हूँ, मुझे ये जॉब चाहिए। काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर ये बात बोल रहा था कि मुझे ये जॉब चाहिए। और सिंचन जब पूछते हैं कि क्यों चाहिए, तो वो बताते हैं कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो सिंचन देखते हैं और फिर कुछ सोचते हैं, फिर वो विंग की तरफ देखते हैं, तो विंग ना आंखों से कुछ इशारा करता है, फिर वो वांगजी की तरफ देखते हैं, तो वांगजी भी कुछ आंखों से इशारा करता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें मैसेज मिल जाएगा, तो वो भी ओके बोल देता है, उसके बाद वो चला जाता है। यहाँ पे पर एक इंसान है जो कि घूर घूर कर सिर्फ और सिर्फ उसी लड़के को देख रहा था। तो सिचन जो है ना वो बोलते हैं अच्छा नेक्स्ट फाइल देना, तो सुयांग तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ उसी लड़के को देख रहा था। तो जो सिचन है ना वो गुस्सा जाते हैं और वो एक चपाटा मारते हैं सुयांग को, और फिर वो बोलते हैं तुम्हें कर क्या रहे हो, हाँ मैंने कुछ कहा है। तो सुयांग ना घबरा जाता है और मतलब हड़बड़ा जाता है और वो बोलता है कि सॉरी मैंने सुना नहीं, क्या बोला तुमने। तो सिचन जो ना अपने सर पर हाथ मारते, उसके बाद वो बोलते मुझे नेक्स्ट फाइल दो, तो फिर वो ना नेक्स्ट फाइल दे देता है। उसके बाद वो ऐसे ही करके एक एक लोग का इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ करीब एक से दो लोगों को वो एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें से सुयांग भी रहता है और एक रहती है लड़की रहती है जिसका नाम लूसी रहता है। इन दोनों को सिर्फ वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद सबको हटा देते हैं क्योंकि दो लोग का ही सीट खाली था। तो जो उन लोगों के फ़ोन पे ना मैसेज आ जाता है कि उन लोग को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो नेक्स्ट डे वो लोग आते हैं, आने के बाद वो लोग कैबिन में आते हैं, ठीक है, वो दोनों ही कैबिन में आते हैं। तो वो देखते हैं
कि विंग जो है ना वो कुर्सी पे बैठा हुआ है और वांग जी जो है ना वो विंग को ना फूड खिला रहा है, वो भी ज़बरदस्ती, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट करके ये दोनों में से मतलब इन लोग में से कोई नहीं आया था, तो सभी ब्रेकफास्ट कर लेते, बट विंग जो है ना वो कुछ फाइल चेक कर रहा था जिसके कारण से वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया, क्योंकि सुबह ही सुबह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था, तो इसलिए नहीं खा पाए ये लोग, तो इसीलिए वो फाइल चेक कर रहा है और वांग जी यहाँ पे उसे उसका बेबी सीटर कर रहा है। तो वांग जी जो है ना वो उसे खिला रहा था, और इधर वांग लूसी जो है ना वो वांग जी को देखती है और वो उसे देखती के देखती ही रह जाती है, बोलती हाय कितना केयरिंग है, कितना केयरिंग लड़का है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, वो ना ऐसे ही नज़रों से ना वो वांग जी को देख रही थी। इधर सिचान बोलते कि तुम लोग आ गए, तब जाके विंग और वांग जी की नज़र उस पर जाती है, फिर सिचान बोलते हैं कि देखो तुम लोगों को परमानेंटली अभी नहीं रखा जा रहा है, तुम दोनों को ही अभी तुम दोनों के काम से देखा जाएगा कि तुम दोनों इस पोस्ट के लिए तुम लोग सुटेबल हो या नहीं हो, ठीक है, तो इसीलिए तुम लोगों को एक वो दे देता है, फाइल थमा देता है और फिर बोलता है ये देखो ये एक ही टॉपिक है, ठीक है, इसी टॉपिक पे तुम्हें एक अच्छा खासा मतलब एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाना होगा, जिसका प्रेजेंटेशन बेहतर होगा और हमें पसंद आएगा, हमारे बॉस को पसंद आएगा, उन्हें ही उसे ही इस पोस्ट पे रखा जाएगा, तो वो दोनों मान जाते हैं। उसके बाद उन दोनों को ना उनका केबिन दिखा दिया जाता है, और ये पूरे टाइम ना सुयांग की नज़र सिर्फ और सिर्फ साउथ सिंचैन पे रहता है, वो तो जैसे उस लड़के में खो ही जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग और वांग जी का सीन, विंग बोलता है वांग जी को कि गगा ये देखिए ये कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ इनका वर्क भी अच्छा है, तो क्यों ना हम इसके साथ कोऑपरेशन करें इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो जो वांग जी है ना फिर वो उस फाइल को उठाता है, वो देखता है और बोलते हैं जियान कोऑपरेशन, मैंने इनका नाम सुना है, ये काफ़ी अच्छे लोग हैं, बट क्या ये करना ठीक होगा, तो सिचन बोलते लाओ दिखाओ तो ज़रा, फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, फिर वो बोलते हाँ ठीक तो है, एक बार मिलने में क्या होता है, वैसे भी इन लोगों ने रिव्यू भेजा ही है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद उनके कंपनी को जो है ना ये मतलब मैसेज कर दिया, मैसेज पहुँच जाता है कि उस जियांग कंपनी लैन कम सॉरी वे कंपनी जो है ना वे कॉरपोरेशन जो है ना वो जियांग कॉरपोरेशन से मीटिंग करने के लिए रेडी हो गए हैं। और जब ये जियांग कॉरपोरेशन के सीईओ को पता चलता है तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो अपने बेटे को बोलते हैं जियांग फैम में अपने बेटे को बोलते हैं जियांग चियांग को कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर के जाएगा लैन सॉरी बार बार लैन कॉरपोरेशन आ रहा है वे कॉरपोरेशन और इस इसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा, ओके। तो जियांग चैन भी मान जाता है इस बात को कि ठीक है मैं इसे प्रेजेंट कर दूंगा, और वो फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इस तरफ विंग वांग जी जो है विंग का पूरा ख्याल रखता है, विंग जो कि घर आके अपनी स्टडी को कंप्लीट करता है, वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेता है सारी, और ऑफिस में भी कुछ क्लासेस उसने ले लिया था फ्री टाइम में, अपनी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद वो अपना वर्क कंप्लीट करता है, ऑफिस का भी वर्क कंप्लीट करता है और स्कूल का भी वर्क कंप्लीट करता है। यहाँ पे सिचान और वांग जी और सुयांग ये तीनों भी उसके साथ वर्क ही कंप्लीट कर रहे थे, वो तीनों अपना कॉलेज का वर्क कंप्लीट कर रहे थे, विंग अपने स्कूल का वर्क कर रहा था, स्कूल का और कॉलेज का वर्क ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो तीनों के तीनों ही ऑफिस का वर्क में लग जाते हैं। उसके बाद कुरेन आते हैं और फिर वो बोलते हैं कि डिनर के लिए आ जाओ, तब जा करके वो तीनों ही डिनर के लिए नीचे आते हैं और फिर वो डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं। डिनर करने के बाद वो अपने रूम में जाते हैं और अपने अपने रूम में सो जाते हैं। तो चलिए गाइस ये स्टोरी मतलब ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है, क्या जियान कॉरपोरेशन वे कॉरपोरेशन के साथ मर्ज हो जाएंगे और ये जो प्रोजेक्ट विंग ने लिया है
क्या इसे 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर देगा? तो ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियोस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है? और मुझे इस पे रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है तो मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे रिस्पांस अच्छा चाहिए।